नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। लॉकडाउन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में तमाम राज्य सरकार उन लोगों के लिए कुछ न कुछ कर रही है जो उनके राज्य से बाहर फंसे हुए हैं, यानी किसी अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। ऐसे में बिहार के भी कई लोग जो हैं काफी संख्या में अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, छात्र भी फंसे हुए हैं। तमाम तरह के वीडियोज सामने आते हैं जिसको लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से यह पत्र लिखा है। पत्र कुछ ज्यादा लंबा है, फिर भी हम आपको वो तमाम चीजें पढ़कर सुनाएंगे। आप देखिए, उन्होंने पत्र के माध्यम से लिखा है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार आखिर और निर्णय की स्थिति में क्यों है? अप्रवासी मजदूर वर्ग और छात्रों से इतना बेरुखी भरा व्यवहार क्यों है? विगत कई दिनों से देश भर में फंसे हमारे बिहारी और प्रवासी भाई और छात्र लगातार सरकार से घर वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार के कानों तक जूं भी नहीं रेंग रही। आखिर उनके प्रति असंवेदनशीलता क्यों है? गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य सरकारें जहां अपने राज्यवासियों के लिए चिंतित दिखी और राज्य के बाहर फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया, वहीं बिहार सरकार ने अपने बाहर फंसे राज्यवासियों को बीच मझधार में बेसहारा छोड़ दिया है। देशव्यापी लॉकडाउन के मध्य ही गुजरात सरकार ने हरिद्वार से 1800 लोगों को 28 लग्जरी बसों से वापस अपने राज्य में लाने का प्रबंध किया। उत्तर प्रदेश शासन ने 200 बसों के अनेकों ट्रिप से दिल्ली एनसीआर में फंसे अपने राज्यवासियों को उनके घरों तक पहुंचाया। राजस्थान के कोटा से यूपी के 7500 बच्चों को वापस लाने के लिए 250 बसों का इंतजाम किया। वाराणसी में फंसे हजारों यात्रियों को बसों द्वारा अनेक राज्यों में भेजा गया। आखिर भाजपा शासित अन्य राज्य इतने सक्षम क्यों हैं? और भाजपा के साथ सरकार में रहते हुए भी बिहार सरकार इतनी असहाय क्यों है? बिहार सरकार और केंद्र सरकार में भारी विरोधाभास नजर आ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार में समन्वय और सामंजस्य कहीं दिख ही नहीं रहा। आप देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, लेकिन इस आपदा की घड़ी में बिहार के लिए उस वरिष्ठता और गठबंधन का सदुपयोग नहीं हो रहा है। इस आपदा से निपटने में बिहार सरकार के दृष्टिकोण में भारी अस्पष्टता दिखाई देती है। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और करते हैं। जैसे कि दिल्ली एनसीआर से जब बिहारी मजदूर यूपी की मदद से वापस आने लगे तो आपने कहा कि उन्हें बिहार में घुसने नहीं देंगे। कोटा से जब छात्र आए तो आपने उनको भी बिहार में प्रवेश करने नहीं दिया और उल्टे केंद्र सरकार से वहां के डीएम की शिकायत भी की। अपनी जनता से घुसपैठियों जैसा व्यवहार कोई सरकार कैसे कर सकती है? जब जन दबाव आया, जब हंसाई हुई तो सरकार ने उन लोगों को राज्य में प्रवेश की अनुमति दी। सरकार से कोई मदद न मिलने की स्थिति में अब मेहनतशील मजदूर आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। यह अति गंभीर मसला है। जैसा कि आप जानते होंगे, विगत 3 दिनों में बिहार के 3 अप्रवासी मजदूरों की मृत्यु हुई है। एक की हैदराबाद में और कल पंजाब के अमृतसर और हरियाणा के गुड़गांव में 2 युवकों की मृत्यु हुई। ये लोग नौकरी छूटने, अपना पेट नहीं भरने के कारण मांग कर खाने, वापस घर नहीं जाने और सरकार द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मानसिक अवसाद के शिकार हो चुके थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? उनके बेचारे परिजन उन मृत व्यक्तियों के अंतिम दर्शन भी न कर सके और आखिर समय में उन्हें जन्मभूमि की मिट्टी भी नसीब न हुई। शुरुआत से कोरोना महामारी की इस लड़ाई में हम सरकार के साथ खड़े होकर उसे रोकने में हर संभव मदद कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप पुनर्विचार करें और देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे सभी इच्छुक प्रवासी बिहारियों और छात्रों को सकुशल और सम्मान के साथ बिहार लाने का प्रबंध करें। सभी ट्रेनें खाली खड़ी हैं, आप रेल मंत्री भी रहे हैं, उस अनुभव का उपयोग किया जाए। सामाजिक दूरी और अन्य जन सुरक्षा निर्देशों का पालन कराते हुए बहुत आसानी से इन लोगों को इन ट्रेनों से वापस लाया जा सकता है। यह आगमन पर अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य जांच, टेस्ट और क्वारंटीन किया जाए। अपने नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अपने राज्यवासियों को गैर बराबरी का एहसास मत कराइए। इस विपदा की घड़ी में बेचारे बाहर फंसे हुए हमारे लोग बड़ी उम्मीद से सरकार की तरफ देख रहे हैं। सरकार उनको सकुशल घर तक पहुंचाने का इंतजाम करेगी, लेकिन सरकार की अस्पष्टता उनको निराश कर रही है।
जितना संपन्न और समृद्ध व्यक्ति की जान की कीमत है, उतना ही एक मजबूर मजदूर की भी जान की कीमत है। अगर गुजरात सरकार, यूपी सरकार और कोई बीजेपी सांसद अपने राज्यवासियों को निकाल सकता है तो बिहार क्यों नहीं। केंद्र के दिशा निर्देशों के पालन में समानता की मांग करिए। अगर बिहार के साथ दोहरा रवैया है तो कड़ा विरोध प्रकट कीजिए। पूरा बिहार आपके साथ खड़ा है। आखिर बिहारवासी कब तक ऐसे तिरस्कृत होते रहेंगे। इस मुश्किल वक्त में तमाम स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित उपायों का पालन करिए और बाहर फंसे सभी प्रदेशवासियों को शीघ्र बिहार लाने का उचित प्रबंध करें। सादर धन्यवाद, तेजस्वी। तो तेजस्वी यादव ने ये एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, एक पत्र के रूप में उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया है और नीतीश कुमार से अपील की है उन तमाम लोगों के लिए जो बाहर फंसे हुए हैं और जो छात्र बाहर पढ़ाई करने गए हैं और वो वापस नहीं आ पाए हैं। ऐसे वैश्विक महामारी के इस दौर में तमाम बातें सामने आ रही है, लॉकडाउन किया गया है देश और ऐसे में तमाम लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन सरकार लगातार प्रयासरत है, नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष जो भी हैं वो भी लगातार प्रयासरत है। ऐसे वक्त में सभी एक साथ आकर लोगों की मदद करें और आपसे भी हम उम्मीद करते हैं, आपसे भी हम अपील करते हैं कि आप भी घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।